दिवाली में पटाखा छोड़े आके छोड़ेंगे छोड़ेंगे लेकिन लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करेंगे। हाँ बाबू पेज दोलाट, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। दोस्तों जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग वीडियो को तो देख लिया किस प्रकार से ये आज की वीडियो होने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार का एक गया गांव है, गया गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और प्रभु यीशु मसीह ने आकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को और बताए मार्गों को फॉलो करने लगे। दोस्तों वहाँ पास गए, प्रेस रिपोर्टर ने आखिर क्या हुआ उस गाँव के लोगों के जीवन में कि उतने सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। इस चीज़ों को जानने के लिए वहाँ पास गए नेशनल न्यूज़ धारक करके एक प्रेस रिपोर्टर है जो वहाँ उस गाँव में छानबीन करने गए और उन लोगों से बातचीत वार्तालाप करने गए। आखिर क्या कारण है कि इतने लोगों ने इतने तादाद में 70% लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। करीबन उस गाँव में 500 500 हाउस, तो उसमें से इतने सारे लोगों ने 70% मतलब करीबन 300 घर से अधिक लोगों का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया। तो दोस्तों क्या ऐसे बातें हुई, तमाम चीज़ों को वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर ने उन लोगों से बातें की और पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह में आए। आखिर अन्य चीज़ों में आप लोगों दूसरे देवी देवता या अन्य धर्मों में सभी चीज़ आपके लाइफ में चमत्कार चमत्कार या ये सभी चीज़ आपके जीवन में नहीं होते थे, तो उन लोगों ने स्पष्ट क्या क्या बातें की, तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। पर्व त्योहार आता है तो मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं हम लोग। आप लोग को ईसाई धर्म के बारे में बताया कौन? गाँव के 70% लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को कबूल करते हैं। भूत आपसे भाग जाएगा? हाँ भाग जाएगा। आप भूत से नहीं भागिएगा? नहीं। ये जा तो है कौन? एक नार एक नारी, दुए को जाती है एक नर और एक नारी। आप लोग का अलग संविधान चलता है? संविधान भी हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा बात की नहीं है, संविधान भी रखे हुए हैं। अच्छा आपके परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर ऊपर वाला है परमेश्वर। तो भाई दारू शराब गांजा बीड़ी खैनी गुटखा झूठ बोलने से मारा पीटी करने से हमारा छूट जाए आदत। और सभी लोग यहाँ पे मुर्गा मछली तो खाते हैं लेकिन नशा नहीं करते हैं, क्यों आप लोग ईसाई? 70% से भी अधिक लोग ईसाई धर्म को कबूल कर लिए, क्या यह बात सत्य है? यस। क्यों आप लोग ईसाई धर्म को कबूल कर लिए? क्योंकि जो समय में हम लोग के पास बीमारी आता था, ओझा भगत के पास जाते थे, वो 50,000-1,00,000 रुपया मांगा करता था, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जुटा पाते हैं। इसलिए हम लोग कहीं एक चर्चा सुने, हम लोग विश्वास किए तो हम लोग प्रभु यीशु से उधार पाए हैं। मेरा बच्ची है अनुकर का नाम है, वो डेड बॉडी में था, मृत व्यवस्था में थी, मृत व्यवस्था में। उस समय हम पहले जुड़े थे, परमेश्वर को पकड़े थे, दास बने थे। तो उस समय हम लोग एक गांव जा रहे थे पकरी वर्मा, तो हम देखेंगे हमारा बेटी डेड बॉडी में है, सब लोग बाहर नहीं जाइए, बच्ची का जान चला गया चला गया था। लेकिन हम लोग परमेश्वर से दुआ किए कि प्रभु हमारा बच्ची को आपको हाथ में सौंपते हैं, आप सलामत रखिए। इतना कहकर हम लोग चले गए कि हमारा बच्ची सो रहा है। फिर जैसे हम लोग परमेश्वर को नाम लिए वो बच्ची यहाँ खाकर खेल रहा है। इसलिए हम लोग मन को परिवर्तन किए हैं, ना हम लोग लड़ाई करना है, ना झगड़ा करना है, ना गाली गलौज करना है और ना किसी को दुख पहुंचा। अच्छा यहाँ पे ईसाई धर्म कबूल किया, कहा है आप लोग ईसाई धर्म कबूल के लिए, मतलब कि क्या उसमें अच्छाई आपको दिखा? हमको अच्छा है, पहले बहुत नशाबाजी था, अब नशाबाजी हम लोग बिल्कुल छोड़। अच्छा ये दांत आपका पीला पहले का है? हाँ, दारू ताड़ी सब खाते पीते थे, खैनी बीड़ी पान गुटखा, उससे हम लोग छुटकारा पा गए। को मानते हैं यीशु मसीह के? हम लोग धर्म नहीं मानते हैं। आप लोग यीशु मसीह को मानते हैं? हाँ, यीशु मसीह को हम मानते हैं, परिवर्तन करते हैं। अच्छा आप लोग होली दीपावली दशहरा मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। शख्स ने अपने मन परिवर्तन किया। हम लोग दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। ओ, मतलब देवी देवताओं को नहीं मानते? नहीं मानते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन मानते नहीं किसी को? पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, मिठाई उठाई मतलब बना के खाते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। ओ, मतलब कि उत्सव मनाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं? नहीं करते हैं पूजा पाठ। अच्छा, अब लोगों का ऐसा मतलब कि कहना होता है कि ईसाई धर्म के जो महिलाएं होते हैं वो साज श्रृंगार भी नहीं करती है? करती है, वचन में लिखा है। जानी बेटा। अच्छा नमक की है कुछ तो बताए? मन हमारा नाम है कुसुमरी, कुसुमरी देवी ने।
हाँ, तुहू ईसाई धर्म में गनी है? एगो घर नहीं तो सब पूरे बेकत है। पूरा बेकत ईसाई धर्म कबूल कर ली? हाँ, एकदम पूरे कबूल। तेरी के सब है, पोता पोती पुतो बेटा कुल्ले कुल है। अरे तेरी के, हाँ दीदी, आप भी ईसाई धर्म कबूल कर लिए? क्या नाम है आपका? चंपा। क्या? चंपा नाम। चंपा जी, एक बात बताइए कि आप कौन से धर्म को मानते हैं? सीधा यीशु मसीह के। यीशु मसीह को बस। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि गए गांव में गए प्रेस रिपोर्टर की लाइफ में किस प्रकार से अद्भुत गवाही उनको सुनने को और देखने को मिला। दोस्तों, ये बिहार का एक गांव है गया। दोस्तों, आप लोगों ने तो पूरा वीडियो देखे कि किस प्रकार से प्रेस रिपोर्टर ने उन लोगों से सवाल जवाब किया और सवाल जवाब को उन लोगों ने किस प्रकार से आंसर दिए, उनके बातों का आंसर दिया, जिस प्रकार से प्रेस रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहे थे और उनके पूछने के मुताबिक वो लोग अपने जो लाइफ में जो जो चीज़ें चेंजेस हुई है तमाम चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किए, बताया प्रेस रिपोर्टर को। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों की लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार इनके घर फैमिली परिवार प्रभु जी का आशीष हुआ? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी गवाही है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा।